ये हैं गांव झिकिटिया, जहां दो साल से ये महिलाएं चंदा अगरबत्ती प्रोड्यूसर ग्रुप का संचालन कर रही हैं। आज प्रोड्यूसर ग्रुप चलाने से जो सफलता मिला है उसी के बारे में महिलाएं आपस में चर्चा कर रही हैं। ए गरीब ले जान के ना अगरबत्ती में लटावलू, गरीब ले जान के ना अगरबत्ती में लटावलू, गरीब ले जान के ना। ए दीदी, प्रोसब ग्रुप बना के बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है दी, आप लोग बहुत खुश हैं। मैं बगल में ही शादी में आई थी तो सोचा कि आप लोग को खुश देखा तो सोचा आप लोग से मिल लूं। यहाँ पर आप लोग किस चीज़ का बैठक कर रही हैं? हम लोग दीदी प्रोड्यूसर ग्रुप बना करके बनाए हैं ना, उसको चर्चा कर रहे हैं। ये प्रोड्यूसर ग्रुप क्या होता है दीदी, क्या मुझे भी बताइएगा? हाँ आइए दीदी, बैठिए। ठीक है, आप आए हैं कहाँ से दीदी? मैं मोराटाल गांव से आई हूं दीदी, और यहीं पर शादी हो रहा है जिसी में मैं आई हूं। किनका शादी था दीदी, बहन को, बहन बेटी को, किनका शादी? मेरे एक दोस्त का शादी है। अच्छा, हाँ दीदी, तो आप लोगों ने मेरा परिचय पूछा, आप अपना परिचय बताइए। प्रणाम दीदी, हमारा नाम हेमंती देवी है, घर झिकटिया है, पीजी गुरु का चंदा को मैं अध्यक्ष हूँ। प्रणाम दीदी, मेरा नाम है नूरजहाँ खातून, मैं झिकटिया गाँव के रहने वाली हूँ, चंदा पीजी ग्रुप के मैं खरीदारी कमेटी के सदस्य हूँ। अच्छा दीदी, हमें ये बताइए कि ये पीजी ग्रुप क्या होता है? दीदी, हम पहले तो पीजी ग्रुप बनाने से पहले हम लोग अपना एसएजी में बात करते हैं, उसके बाद हम अपने ग्राम संगठन में बात करते हैं, और ग्राम संगठन में कर लेने के बाद हम लोग एक 40 से 50 महिला का एक ग्रुप बनाते हैं, और 40 से 50 महिला का ग्रुप बना लेने के बाद हम लोग उसी तरीक़े से जैसे हम अपना वीओ का संचालन करते हैं उसी तरीक़े से पीजी ग्रुप का भी हम अपना संचालन करते हैं, और उसकी पहली बैठक बुलाते हैं। अच्छा दीदी, तो 40 से 50 दीदी मिलकर आप लोग समूह बनाती हैं अगरबत्ती का, तो दीदी पहली बैठक में आप लोग क्या करती हैं? पहली बैठक में ये होता है दीदी कि सबसे पहले तो हम अपना जो समूह, जो पीजी ग्रुप बनाए हैं उसका नाम रखा जाता है, और नाम रखने के बाद उसमें क्या होता है कि जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव किया करते हैं हम दीदी लोग मिलकर, और उसमें 5 दीदी का खरीदारी कमेटी चुनाव बनती हैं, और उसमें जाँच समिति भी बनता है 5 दीदी का। खरीदारी कमेटी का ये काम रहता है कि जो भी कच्चा माल का जो खरीदारी होता है वो खरीदारी कमेटी खुद ही जा करके अपना मार्केट से खरीदती हैं, खरीद करके ले लाती हैं, और जांच कमेटी का ये काम रहता है कि कौन सी दीदी कौन अपना अपने घर में किस तरीक़े से जो कि अगरबत्ती बना रही हैं, तो घर में जा करके, घर घर में जा करके जांच कमेटी वो जांच करती हैं कि हमारा अगरबत्ती कहीं कोई दीदी ख़राब तो नहीं बना रही है, किसी चीज़ में मिलावट तो नहीं कर रही है, और जो कि जिस तरीक़े से हम लोग बताए हैं वो तरीक़े से बना रही है कि नहीं बना रही है, ये जांच कमेटी का काम रहता है दीदी। अच्छा दीदी, तो इसका संचालन तो एकदम वीओ जैसा ही होता है? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल वीओ जैसा होता है। अच्छा दीदी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ये सब चुनने के बाद फिर आप क्या करती हैं? फिर उसके बाद हम लोग दूसरी बैठक बुलाते हैं, तो दूसरी बैठक में हम लोग क्या करते हैं कि जो कि सभी दीदी जो कि हम लोग 50-50 रुपया अंशदान जमा करते हैं, और उस अंशदान के पैसे से हम लोग जा करके अपना बैंक का खाता खुलवाते हैं। आप लोग अपना अंशदान जमा करके बैंक में खाता खुलवाते हैं? जी हाँ। इसके बाद हम लोग दीदी ये करते हैं कि हम अपना CLF से एकरारनामा करते हैं, और उसके बाद सभी दस्तावेज तैयार करवा करके जो कि हम लोग CLF और ब्लॉक में जो कि सभी जमा करते हैं। अच्छा दीदी, फिर उसके बाद आप लोग जमा करने के बाद फिर क्या करते हैं? और उसके बाद ये होता है दीदी कि जो हमारे जिला स्तर पे जो हमारे भैया लोग जो बैठे हुए हैं वो आते हैं हमारे पीजी ग्रुप के, जांच पड़ताल करते हैं, और जांच पड़ताल करने के बाद जब जाते हैं तो हमारे पीजी ग्रुप में 1,83,500 रुपया जो कि बिजनेस करने के लिए हम लोग को मिलता है। अच्छा दीदी, ये ऋण आप लोग कैसे लौटाते हैं? हम लोग 5 महीने तक के कुछ भी नहीं देते हैं, और 5 महीने के बाद हम लोग 48 बराबर किस्तों में जो कि प्रति माह 50 पैसे करके हम लोग ब्याज के साथ लौटाते हैं। पर दीदी, यह ऋण आप लोगों को क्यों दिया जाता है? हम लोग को इसलिए ऋण दिया जाता है कि उससे जो हम लोग जितना जो कच्चा माल होता है वो कच्चा माल खरीदने के लिए मिलता है, और उसके बाद जो हमारी दीदी जो अगरबत्ती बनाती हैं उनका मजदूरी देने के लिए। अच्छा दीदी, ताकि दीदी को तुरंत मजदूरी मिल जाए। जी हाँ।
अच्छा दीदी, आप लोग को तो इतना पैसा आता होगा, इसका हिसाब किताब आप लोग कैसे रख पाती हैं? आप लोग को काम भी बहुत ज़्यादा रहता होगा। दीदी, इसके लिए हम लोग एक ARP को जो कि हम लोग रखे हुए हैं, जो हमारी ARP दीदी जो कि इसमें काम करती हैं, जो हर एक सप्ताह दीदी लोग को कच्चा माल का डिमांड निकालती हैं, और उसके बाद जो हमारी दीदी जो अगरबत्ती जो बनाती हैं उनका जो मसाला वितरण करती हैं, उसका पूरा हिसाब किताब जो कि हमारी ARP दीदी के पास रहता है कि कितना हमारा सामान गया और कितना जो कि पैसा कौड़ी का टोटल हिसाब जो कि हमारी ARP दीदी कर रखती हैं। अच्छा दीदी, तो आपका टोटल हिसाब ARP दीदी देखती है? जी हाँ, उसके लिए दीदी हम जो हमारी ARP दीदी हैं उनको हम प्रति माह मेहनताना देते हैं। अच्छा दीदी, तो आपका PG ग्रुप भी बन गया, आप लोग का खाता भी खुल गया, आप लोग को ऋण भी मिल गया, उसके बाद आपने हिसाब किताब रखने के लिए भी एक ARP का भी चुनाव कर लिया, उसके बाद आप लोग व्यापार कैसे करते हैं दीदी, ये भी हमें सिखाइए। हम लोग को जो था दीदी कि हमारी जो ARP दीदी हैं वो डिमांड निकाल करके देती हैं, और डिमांड निकाल लेने के बाद जितना दीदी का डिमांड आता है तो डिमांड लेने के बाद वो खरीदारी कमेटी को देती हैं, और खरीदारी कमेटी क्या करती हैं कि वो मार्केट से कच्चा माल खरीदारी करके ले लाती हैं, और खरीदारी करके लाने के बाद जो दीदी को दीदी का डिमांड के अनुसार दीदी लोग को दे दिया जाता है, और उसके बाद दीदी लोग हर एक सप्ताह में बना करके कच्चा माल को फिर अगरबत्ती बना करके ला करके देती हैं, और वो फिर अगरबत्ती का वो अपना मजदूरी ले करके जाती हैं। अच्छा दीदी, ये सब तो हो गया, अब आप बताइए कि ये डिमांड कैसे निकाली जाती है? दीदी, डिमांड इस तरीक़े से निकाला जाता है, जैसे जो हमारी ARP दीदी हैं वो सप्ताह में एक बार मीटिंग करवाती हैं, और सप्ताह में 40 दीदी को मीटिंग जब करवाती हैं तो ये दीदी लोग अपना अपना बतलाती हैं कि हम 12 किलो बनावेंगे या हम 6 किलो बनावेंगे, या कोई दीदी बोलती हैं 15 किलो बनावें, तो दीदी का अनुसार ही जो कि दीदी डिमांड निकाल करके देती हैं कि कौन दीदी कितना बत्ती बनाएंगी। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, दीदी अगर बत्ती बनाकर कहाँ ले जाती हैं और उन्हें मजदूरी कौन देता है? ये अगरबत्ती बना करके हमारी दीदी लोग हमारे स्टोर रूम पे लाती हैं, और स्टोर रूम पे लाने के बाद उनको जिसको अगर 1500 काउंटिंग अगर 1 किलो में निकल गया तो उनको 30 रुपया मिलता है, किसी को अगर 1300 से 1400 काउंटिंग में अगर निकला 1 किलो में तो उनको 25 से 26 रुपया दिया जाता है, और उनका मजदूरी जो कि हम लोग देते हैं। अच्छा दीदी, तो दीदी लोग को मजदूरी मिल गई, उसके बाद फिर आप उस अगरबत्ती का क्या करते हैं? उस अगरबत्ती को एक बहुत बड़ा कंपनियां हैं जो कि RTC, उनके साथ हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया है, और जितना जो हमारे स्टोर रूम का जो अगरबत्ती रहता है सारे RTC कंपनी ले जाते हैं। अच्छा दीदी, PG ग्रुप कैसे बनता है ये तो मैंने इन दीदी से सीख लिया। अब आप लोग 2 साल से PG ग्रुप चला रहे हैं, तो मुझे आप लोग यह बताइए कि PG ग्रुप बनाने से आप लोग के ज़िंदगी में क्या बदलाव आया और आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ, एक एक करके बताइए दीदी। हाँ, तो पहले हम लोग जो अगरबत्ती बनाते थे दीदी 2 साल पहले, तो किसी बिचौलिया का बनाते थे, तो बिचौलिया हमें क्या देता था 16 से 18 रुपया तक की, और वो भी देते थे तो उसमें जो भी हमारा जो बेनिफिट होता था मुनाफा, तो उसका तो हम हकदार नहीं थे, वो जो हो गया से बिचौलिया के हो गया। और ये जब जो कि हम लोग अपना जब PG ग्रुप जो बना लिए हैं तो इसमें क्या कि मेरा मजदूरी भी मिल रहा है यानी 25 से 30 रुपया तक की, और जो भी इसका जो फ़ायदा होता है मुनाफा वो हम सब दीदी का ही है। अच्छा, बिचौलिया है कि हमारा गांव का भी नहीं, कहीं बाहर का है, वो आज है कल नहीं, मगर हमारा जो ये PG ग्रुप का है कि हम सब दीदी का है, और ये जितना भी मुनाफा का हकदार हैं कि जो कि हमारा सभी दीदी हैं। हाँ दीदी, बिचौलिया जो आता था हम लोगों को माल देने के लिए बत्ती बनाते थे, उसे डर भी रहता था कुछ कि शायद हो कि कुछ दिन बनवा करके और हमारा पैसा ले करके चला भी जाए, और ये तो हमारा PG ग्रुप है इसमें तो हमको बहुत गर्व है कि ये तो बहुत गर्व की बात है कि हम लोग खुद अपने आप को है। अरे दीदी, बिचौलिया आज है कल चला जाएगा, मेरा रोजी रोटी बंद हो जाएगा, बाल बच्चा तो भूख मर जाएंगे दीदी, ये हमारा PG जी है कि हमारा है, सब दीदी का है, तो इसमें सब दिन हमारा काम लगा हुआ रहेगा। हाँ हाँ दीदी, आप जा करके PG ग्रुप बनाइए, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी मदद करेंगे दीदी। एकदम हम लोग मदद करेंगे, बहुत अच्छा हम लोग का बहुत अच्छा लगता है दीदी, और फायदा भी हम लोग का अच्छा नजर आता है पहला बिचौलिया से। अच्छा दीदी, आप लोगों ने सब मुझे PG ग्रुप के लिए जानकारी दी, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपको भी हम लोग का धन्यवाद दीदी।